नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हमीरपुर जिला के समीरपुर में हैं और हमारे साथ पूर्व में रहे दो बार के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी हैं, जिन्हें सड़कों वाला मुख्यमंत्री के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इनसे चुनावी चर्चा करने यहाँ पहुँचे हैं। चुनाव का दौर है और किस तरह का चुनाव में जो प्रचार है वो चल रहा है, और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के चुनाव प्रचार में भी धूमल साहब जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। उनसे आज चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति जो है इस समय प्रदेश में चली हुई है। जी धूमल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत है। आप यहाँ पहुँचे, धन्यवाद। जिस तरह से बात करेंगे राजनीति की, सर पिछले 14 महीने में जो उलट फेर प्रदेश की राजनीति में हुआ है, आपने भी दो बार जो है वो प्रदेश का जो नेतृत्व संभाला है, किस तरह देखते हैं सर? मैं कुछ महीनों में भारी बहुमत के साथ बनी सरकार अपने विधायकों को नहीं संभाल पाई। 14 महीने में 9 विधायक शुरू कर दिया है, सरकार की कारगुजारी पर उठाए, एमएलए के साथ व्यवहार पर प्रश्न उठाए। इस बात का द्योतक है कि सरकार ठीक ढंग से नहीं चल रही। महिलाएं निराश थी कि 1500 रुपया महीने का नहीं मिला, पशुपालक ने निराश था कि गोबर नहीं बिका, दूध नहीं बिका। नौजवान निराश था, रोजगार नहीं मिला। कर्मचारी पेंशन निराश था, एरियर नहीं मिले, रिवाइज पेंशन और पे नहीं मिले। समाज का प्रत्येक वर्ग निराश था ही, तो सोने पर सुहागा हो गया कि अपना विधायक ही निराश ही है। किसी भी सरकार के कारगुजारी पे बहुत बड़ी कितनी है कि समाज का प्रत्येक वर्ग निराश हो और उसके अपने साथी विधायक निराश हो। बात करेंगे प्रदेश के नेतृत्व की, नेता प्रतिपक्ष की बात करेंगे जयराम ठाकुर जी की। वो बार बार हर मंच से ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो 4 जून को गिर जाएगी। आपने भी नेतृत्व संभाला है सर, आपने भी प्रदेश को चलाया है 2 बार, इस समझ पर ये जो बार बार का बयान है इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि जनता इसको समझ नहीं पा रही है। सुक्खू कहते हैं कि सरकार जो है वो 3.5 साल और चलेगी, और जयराम जी कहते हैं 4 जून को गिर जाएगी, तो जनता में कहीं कंफ्यूजन है इस चीज में, तो आप किस तरह देखते हैं? तो बेस्ट सूत्र तो वो ही देंगे जिन्होंने डिक्लेयर किया है। विपक्ष स्वाभाविक तौर पर कहेगा कि सरकार जाएगी, तो सत्ता में वो कहेंगे कि हम रुके रुके रहेंगे। ऐसा जनता करेगी, जनता जो निर्णय देगी वो ही सर्वमान्य होगा। तो बात करेंगे खरीद फरोख्त की, बार बार जो मंच से है वो मुख्यमंत्री ये कर रहे हैं कि भाजपा ने जो है वो खरीद विधायकों को खरीदा है, और देश की सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन उनके पास अपने विधायक लोग नहीं हैं, उन्हें कांग्रेस से लोग लेने पड़े, इस तरह के बार बार के बयान हैं, तो आप किस नज़र से? क्या वो कोई प्रश्न उनसे करिए जिन्होंने प्रश्न खड़ी की है? इतना सवाल है तो फिर मुख्यमंत्री उनसे लेकिन उन पर इल्जाम लगा वो इनकार कर रहे हैं। सत्य कौन है तो तुम साक्ष्य सामने आएगा तो फिर चले। चुनाव प्रचार की बात करेंगे, अनुराग ठाकुर जी चुनावी मैदान में हैं, इस बार 5 लाख पार का नारा जो है वो लेकर चले हुए हैं, आप भी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, इस बार ये जो 5 लाख पार का नारा है इसे आप किस नजर से? अच्छी नजर से देखेंगे, ज्यादा बहुत भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं तो चाहूंगा चारों सीटों पर 5-5 लाख। बात करें अगर बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की, तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र पर भी आपने देखा होगा बार बार मीडिया में या मंचों से ये रेल का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ, तो ये 2 बार कहा जा रहा है कि 2 बार जो है वो चुनाव अनुराग सिंह ठाकुर ने जीता है रेल के मुद्दे पे, लेकिन अभी जो है वो इस बात का कहीं भी किसी मंच से बात नहीं की जाएगी,
इस पे आप क्या करेंगे, क्योंकि विकास की बात की जाए तो विकास एक तरह से बहुत हुआ है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में, इनकी बात करेंगे, NH 4 लेन की बात करेंगे, तो ये जो रेल का मुद्दा है कहाँ कहाँ अटका रहेगा? इन लोगों को रेल के बारे में ज्ञान नहीं होता, वो ऐसी बात नहीं करते। नंगल तुवाड़ा रेलवे लाइन का शिलान्यास जनवरी 1973 में हुआ था और नंगल से ऊना तक रेलवे लाइन कंप्लीट हुई 11 जनवरी 1991 को, 18 साल के बाद। जब मैं सांसद था तो पहली बार ट्रेन लेके हम आए और अभी तक नंगल तुवाड़ा का काम चला हुआ है। मेपू का सर्वे हो गया है, हिम्मत से हमें जो हिस्सा प्रदेश सरकार ने अपना देना है उसे प्रदेश सरकार मुकर रही है, केंद्र तो अपना हिस्सा देने को तैयार है। रेलवे लाइन ऐसे नहीं दिखती कि प्रदेश सरकार कुछ ही ना करे, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो अपना हिस्सा दे नहीं रहे वो कह रहे हैं कि रेलवे लाइन नहीं होगी, रेलवे लाइन को ट्रॉफी तो है नहीं वैसे पकड़ा देंगे आपको। प्रदेश सरकार अपना हिस्सा दे तो हजारों करोड़ बनता है, रेलवे लाइन का काम फिर हो जाएगा। सर्वे हो चुका है, केंद्र ने अपना काम का प्रावधान किया है और इसी पार्लियामेंट कंट्री में हिंपड़ी से बुरमाना और ले तक जब जाने वाले रेलवे लाइन पे 1,000 करोड़ साल में खर्च किया जा रहा है। केंद्र की तरफ से कोई कमी नहीं है, सांसद की तरफ से कोई कमी नहीं है, कमी है तो प्रदेश सरकार की है। धोन साहब बात करें अनुराग सिंह ठाकुर की, वो हमेशा शुरू से ही इस बात को लेकर चले हैं, वो पर्सनल सवाल रहेगा कि वो ठाकुर लगाते हैं, अनुराग ठाकुर धूमल, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना एक वजूद सेट किया है प्रदेश प्रदेश में, देश में टॉप 10 उसमें आते हैं वो। तो आप बार बार जो कांग्रेस है वो बार बार ये कहती है कि उन्होंने जो है वो अपने पिता के उस पर जो है वो चुनाव जीते हैं, तो इस बात को आप कैसे देखते हैं सर, क्योंकि उनका एक अपना रुतबा है नेताओं में टॉप 10 में वो आते हैं, आप क्या कहेंगे? इसका जो पिता होगा उसका उसी को लाभ मिलेगा जी। तो मैं क्योंकि स्तर करते करते घटिया होता जा रहा है तो उस लेवल पर जाना नहीं चाहता। मेरा बेटा होगा तो मेरे सीने का फायदा मेरे बेटे को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अनुराग ने पहले उसकी सोच पहले से बहुत भिन्न थी, तो स्कूल में 6ठी क्लास में क्रिकेट टीम में आए, तब से लेकर वो धूमल ने लिखा कि वो ये ना कहें कि भाषा के लिए किसी शहर में पढ़ाते हैं, उनके बेटे ने तो राम ठाकुर लिखा, अपने दम पे वो क्रिकेट खेली, अपने दम पे क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण किया, अपने दम पे राजनीति में आए, अपने दम पे जीत रहे, मैं गौरव इस बात पर गर्व है इस बात अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ रहे। प्रदेश और देश की जनता को, प्रदेश की जनता को और हमीरपुर खासतौर हमीरपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? गांव से लेकर जिला देश और देश सबसे यही अपील करना चाहूँगा, ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है, भारत इस वक्त इस मुकाम पर पहुँचा है जहाँ विश्व आशा भरने के लिए अभाग्य से हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो विश्व का सबसे ज़्यादा विश्वसनीय सबसे लोकप्रिय नेतृत्व है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, आओ हम सब मिलकर कमर का बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, चारों के चारों साथी भारत को जिताएं, 6 के 6 विधायक द्वारा खेले जिताएं और मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाएं, अभी देश उससे विश्व गुरु बने, एक आर्थिक शक्ति बने, सामरिक शक्ति बने, हर तरह से सर्वगुण भव्य देश हो, विश्व का सबसे निशानी सबसे शांति प्रिय मेरा भारत।
ऐसी भी अपील करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।